सोनाली राठी एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो नाउ विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो नाउ टूडेज पॉइंट इज वॉट इज मैग्नेटिक मटेरियल एंड वॉट आर द टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स और वी कैन से द क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो जैसे फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वैसे ही हम कंसिडर करेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स की एक फैमिली है और मैग्नेटिक मटेरियल्स के फैमिली में थ्री मेंबर्स है। दोस थ्री मेंबर्स आर डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। रेस्ट ऑफ द टू आर ऑल्सो देयर, दैट इज फेरी मैग्नेटिक मटेरियल एंड एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। बट ये दो मटेरियल हमें सिलेबस में स्टडी के लिए नहीं है एंड दैट्स वाई विल जस्ट डू द स्टडी ऑफ दिस थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। नाउ वी नो दैट जब भी किसी चीज का क्लासिफिकेशन होता है तो क्लासिफिकेशन एक पर्टिकुलर बेसिस पे किया जाता है, राइट? Here, our magnetic materials are of three types. So obviously, these materials are classified on a particular basis. So what is the criteria for the classification of these three magnetic material? We'll discuss that, and after that, we'll take each magnetic material one by one, and we'll discuss all its properties and its internal mechanism. So what will be the criteria for the classification, right? So first criteria for the classification of this magnetic material is that whether this material contains odd or even number of electrons, or we can say this material contains paired or unpaired electrons. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर कोई मटेरियल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम, तो उन एटम के अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड हो गए तो वो मटेरियल को नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, राइट? और अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हो गए सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? जीरो। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल हैज बीन डन ऑन दिस पर्टिकुलर बेसिस, वेदर दिस मटेरियल कंटेन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वेदर दिस मटेरियल कंटेन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्राइटेरिया इज If we'll place these materials in external uniform magnetic field, so दो ही possibility है, एक तो ये field को response करेंगे और field की तरफ attract होगे या फिर field से दूर repel होगे। So depends what kind of response these materials are giving after placing them in external uniform magnetic field, we have divided or classified these magnetic materials into three types. So the second criteria for the classification is response to external uniform magnetic field. You know that the magnetic field is denoted by a symbol B bar. So these are the two criteria on the basis of which we have classified this magnetic material into three types: diamagnetic material, paramagnetic material and ferromagnetic material. So this is just a simple criteria for the classification. Now we'll take each magnetic material one by one and we'll discuss its basic mechanism and its properties. So our first magnetic material is diamagnetic material. So we'll discuss first of all diamagnetism. Ab diamagnetism ek property hai जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स फॉलो करते हैं, राइट? सो डायमैग्नेटिज्म अगर हमें स्टडी करना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मीन्स क्या होता है। इफ वी नो व्हाट इज मीन बाय डायमैग्नेटिक मटेरियल, वी कैन इजीली स्टडी दिस प्रॉपर्टी, दैट इज डायमैग्नेटिज्म। सो डायमैग्नेटिज्म इज जस्ट द प्रॉपर्टी विच इज एग्जिबिटेड बाय द डायमैग्नेटिक मटेरियल। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज मीन बाय डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल कंटेन विच काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो जस्ट कीप इन माइंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज विच कंटेन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
even number of electrons, or we can say number of electrons even है, मतलब obviously वो कैसे रहेंगे, paired रहेंगे. So this is the first identity of a diamagnetic material. This material contain even number of electrons, or we can say paired electrons. Now you know that we have already discussed, if the electrons are paired, then in pairing, if one electron has a magnetic moment like this, another has a magnetic moment like this, so the net magnetic moment becomes zero, right? And that's why as it possesses even number of electrons or a paired electrons, we can say net magnetic dipole moment, जो हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ऑफ दिस मटेरियल इज जीरो. सो दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल. दिस मटेरियल कंटेन नो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इट इज जीरो. थर्ड आइडेंटिटी इज, इफ यू विल प्लेस दिस डायमैग्नेटिक मटेरियल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन वॉट हैपन्स? This material does not respond to the uniform magnetic field. These materials get repelled from the magnetic field. This is the third identity of a diamagnetic material. कैसे response करते हैं ये field को? अगर आप इन material को uniform magnetic field में रखोगे, तो ये material से क्या होते हैं? ये magnetic field से क्या होते हैं? Repel होते हैं. So this is the third identity. So these materials are repelled by magnetic So, अगर कोई भी मटेरियल ये तीन प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है, तो हम उन मटेरियल को डायमैग्नेटिक मटेरियल्स कह सकते हैं. सो ओवरऑल, बाय समराइजिंग ऑल दिस थ्री प्रॉपर्टीज, वी कैन डिफाइन द डायमैग्नेटिक मटेरियल एज द मटेरियल्स विच आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड एज अ, और द मटेरियल्स विच आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, वी कैन से आर कॉल्ड एज अ डायमैग्नेटिक material. So this material contains even number of electrons or a paired electrons, net magnetic moment is zero, and these materials are repelled by a magnetic field. Now question arises, why these materials are weakly repelled by magnetic field? That is the question. और इसका आंसर ढूंढने के लिए हमें इसका इंटरनल मैकेनिज्म स्टडी करना होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल का. मैंने कह दिया कि डायमैग्नेटिक मटेरियल फील्ड से रिपेल होते हैं, बट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये मटेरियल्स रिपेल क्यों होते हैं, और अगर इसका आंसर हमें चाहिए तो हमें डेप्थ तक जाना होगा, हमें इसका इंटरनल मैकेनिज्म स्टडी करना होगा. ओके, सो सपोज आई हैव टेकन वन डायमैग्नेटिक मटेरियल, और ये डायमैग्नेटिक मटेरियल मैंने कहाँ रख दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. तो सपोज एक रीजन हम कंसिडर करेंगे, सपोज ये एक रीजन है हमारा, हम इसे कहेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमने प्रोवाइड किए, सो दिस इज एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लेट इट बी डिनोटेड बाय सफिक्स बी एक्सटर्नल बार. ओके, so this is the reason of uniform magnetic field, externally provided uniform magnetic field. ये reason में हमने क्या रखा है, diamagnetic material रखा है. रखने के बाद क्या होता है, वो field से दूर repel होता है, but the question is why it is weakly repelled by a magnetic field. So this is the reason of externally provided uniform magnetic field. Suppose here is our diamagnetic material. Now you know that material is made up of atoms, and those atoms contains electrons. So instead of directly discussing the diamagnetic material जो कि यहाँ पे है, हम एक orbiting electron लेंगे उसका. So suppose this is the orbiting electron. This electron is from atom, and that atom is from diamagnetic material. So directly taking a diamagnetic material, we have considered the orbiting electron of that diamagnetic material. Now simple concept hai electromagnetic induction ka, according to the Lenz law or according to the electromagnetic induction, if you place any loop, this
acts like a loop. If you place any loop in uniform magnetic field, then what happens? The current gets induced in the loop, right? And as you have placed this material in uniform magnetic field, the current gets induced in the loop. So this is the direction of induced current. Dono direction check kijiye, as the direction of motion of electron and the direction of current are opposite. This is shown by this arrow. So because of the externally provided uniform magnetic field, ye loop mein current induced hua. Now this loop becomes a current carrying loop, and you know that every current carrying loop or every current carrying coil creates a magnetic field around it, right? So ये जो magnetic field यहाँ पे create होगी ये induced current की वजह से है. That's why we'll say that this magnetic field which is created by this induced current is called as a induced magnetic field. So this is induced magnetic field. So this is a simple mechanism. We have placed a diamagnetic material in external uniform magnetic field. So what happens? Because of the magnetic field, the current gets induced in the loop because of the phenomenon of electromagnetic induction. And as there is an induced current, this current carrying loop now will create its own magnetic field, and that magnetic field is called as an induced magnetic field. Now what happens? This induced magnetic field, which is created by this induced current, is exactly opposite to that of the externally provided uniform magnetic field. मतलब हमने external magnetic field अगर ये direction में provide की होगी, this is भी external bar. So ये जो induced magnetic field induced हुई है, this is the direction of this induced magnetic field. You can see both the fields are exactly opposite, and as both the fields are exactly opposite, the net magnetic field inside this diamagnetic material get reduces. It doesn't become zero, but it reduces, it minimizes. And that is the reason why these materials are weakly repelled by a magnetic field. वो क्या हो रहा है यहाँ पे? Externally provided magnetic field की direction ये है, induced magnetic field की direction ये है. दोनों direction exactly opposite होने की वजह से, दो vector opposite है, that's why क्या होगा, जो नेट इफेक्ट है वो मिनिमाइज होगा, जीरो नहीं हो सकता बट मिनिमाइज हो सकता है. एंड एज द मैग्नेटिक फील्ड इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनसाइड द मटेरियल, दोज मटेरियल्स विल नॉट बी केपेबल टू रिस्पॉन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड. एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द डायमैग्नेटिक मटेरियल. हमें और डायग्रामेटिकली अगर एक्सप्लेन करना होगा, सो सपोज दिस इज आर डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये है डायमैग्नेटिक मटेरियल. यू नो दैट दिस मटेरियल इज मेडअप ऑफ एटम एंड दोज एटम कंटेंस इलेक्ट्रॉन, सो वी आर कंसिडर्ड वन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन लाइक दिस. सो दिस इज द डिरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट according to the phenomenon of electromagnetic induction. But ये material हमने कहाँ रखा है? External magnetic field में. So this is external magnetic field. जो external magnetic field हमने provide की है वो uniform है, और uniform magnetic field हमेशा हम equidistant parallel magnetic lines of force से represent करते हैं, right? So this is uniform magnetic field like this. So as you can see this figure, this material, this is north, suppose this is south, okay. So this is the direction of external uniform magnetic field, and now this is the direction of induced magnetic field. You can see the direction, one is this is external field, this is induced field, both are opposite, and that's why what happens? This material, this diamagnetic material doesn't allow this magnetic lines of force to pass through it. It repels the magnetic lines of force, and as it repels the magnetic lines of force, it doesn't get magnetized, and as it doesn't get magnetized, it doesn't attract towards the magnetic field, and as it doesn't attract towards the magnetic field, it gets repelled from the magnetic field. Or simple diagram अगर हम draw करना है तो simply ये है हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज आर
डायमैग्नेटिक मटेरियल, और ये डायमैग्नेटिक मटेरियल हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा. सो इनिशियली सो व्हाट हैपेंस, एज सून एज यू प्लेस इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट रिपेल्स द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लाइक दिस. जो ये स्ट्रेट लाइन्स ऑफ फोर्स जो हमारी थी वो इन्हें क्या करता है, रिपेल करता है लाइक दिस. इट डजंट अलाउ द लाइन्स ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट लाइक दिस. इट रिपेल्स द लाइन्स ऑफ फोर्स. दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सटर्नल बार, एक्सटर्नली प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एंड एज इट रिपेल्स द लाइन्स ऑफ फोर्स इट डजंट गेट मैग्नेटाइज, एंड दैट इज द रीजन वाई डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड. So this is the internal mechanism that takes place inside the diamagnetic material. You should know this. So एक चीज clear है, ये material field के साथ susceptible नहीं है. करके diamagnetic material की जो susceptibility है it is very less and it is negative. वो हमेशा negative होती है. ये materials magnetic lines of force को permit नहीं करते हैं to pass through it, right? And that's why इन materials की permeability भी बहुत कम होती है. Okay? And the next important thing is this diamagnetic materials, the susceptibility of this diamagnetic material is independent of temperature. No matter whether you are cooling the material or you are heating the material, उसका इस material पे, उसके diamagnetism की property पे कोई भी effect नहीं होता है. So susceptibility of this material is independent of temperature. And as we know that these materials are repelled by a magnetic field, so when you will place it in non-uniform magnetic field, non-uniform magnetic field means what? ऐसे field जहाँ पे हर region पे magnetic field का जो magnitude है वो क्या हो रहा है, vary हो रहा है. कहाँ पे magnitude weak रहेगा, कहीं पे magnitude strong रहेगा. So अगर आप इन diamagnetic material को external non-uniform magnetic field में अगर रखते हो, so this material moves from stronger to weaker part of the field. Stronger to weaker क्यों? क्योंकि ये field के साथ compatible नहीं है. So जब इन्हें आप external non-uniform magnetic field में रखोगे, it always moves from stronger to weaker part of the field. और अगर आप इन materials को external uniform magnetic field में रखोगे, so this material align themselves in a direction which is perpendicular to the direction of field. अगर ये field की direction है, तो ये material की direction ऐसे रहेगी. This material align themselves perpendicular to the direction of the field. Why? Because we have already done with the concept of magnetic potential energy. ये material demagnetized है, magnetized नहीं होते है. Means इन material की जो magnetic potential energy है, जिसे हम UM से denote करते हैं, वो कितनी रहेगी? मिनिमम, और मिनिमम मीन्स जीरो. अब जीरो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कब रहेगी? जब मटेरियल्स फील्ड को परपेंडिकुलर रहेंगे, जब ये जो एंगल है थीटा, ये कितना रहेगा? 90 रहेगा. सो दिस आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल. सो दिस इज ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ओवरऑल इंटरनल मैकेनिज्म, प्रॉपर्टीज, डेफिनेशंस ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल. So these are some of the enlisted properties of a diamagnetic material that we have already discussed. You can note these properties, because properties and definition is important as far as your exam is concerned. Mechanism is important as far as concept is concerned. आपको concept तक जाना है, depth तक जाना है, तो आप mechanism भी read कीजिए. और properties और definition important है, अच्छे से कीजिए. So in our next lecture we'll discuss the paramagnetic material and then ferromagnetic material, and after the discussion of all these three material we'll infer all the points that distinguish these three magnetic materials. So this is all about diamagnetic material. I hope you understood all this. So until then, stay studious, stay curious. Thank you.